यूं तो आप एक से बढ़कर एक शानदार जगहों पर घूमने गए होंगे और एडवेंचर का भी लुत्फ उठाया होगा, लेकिन क्या आपने कभी उन जगहों की सैर की है जहां जाकर कलेजा मुंह को आ जाए? जी हां, दुनिया में ऐसे कई खतरनाक टूरिस्ट प्लेस हैं जिनकी सैर करना बेहद डरावना है, लेकिन एडवेंचर का शौक रखने वाले हजारों लोग हर साल इन जगहों पर घूमने जाते हैं। तो देर किस बात की, आइए जानते हैं दुनिया की उन 5 शानदार जगहों के बारे में जहां घूमने का अनुभव आप जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। मकाऊ टावर। मकाऊ में ये टावर कन्वेंशन और एंटरटेनमेंट सेंटर है। इस टावर की ऊंचाई 338 मीटर है, जहां से पूरे मकाऊ शहर का शानदार नजारा दिखाई देता है। मकाऊ टावर में रेस्टोरेंट, थिएटर, शॉपिंग मॉल, स्काई वॉक और टावर के चारों तरफ घूमने के लिए एक बाहरी रिम मौजूद है। मकाऊ घूमने गए ज्यादातर पर्यटक और स्थानीय लोग मकाऊ टावर के बाहरी रिम में चलना पसंद करते हैं। ये एडवेंचरस होने के साथ साथ काफी खतरनाक भी है। 63 फ्लोर्स की इस इमारत में 233 मीटर की ऊंचाई पर स्काई जंप और रिम में घूमने की सुविधा है। इस ऊंचाई पर जाने से ही कई लोगों का सिर चकराने लगता है, जबकि एडवेंचर के शौकीन 233 मीटर की ऊंचाई से जंप मारकर खतरों से खेलते हैं। टावर के बाहरी रिम पर चलना बेहद डरावना है, लेकिन एडवेंचरस अनुभव देता है। इस रिम पर चलने से पहले लोगों को एक केबल के सहारे बांध दिया जाता है ताकि बैलेंस बिगड़ने की स्थिति में कोई दुर्घटना ना हो। जिप वर्ल्ड वेलोसिटी मैरीलैंड। अमेरिका के मैरीलैंड में जिप वर्ल्ड पैनरन क्वेरी एडवेंचरस लोगों के लिए बेहतरीन जगह है। यहाँ आप बेहद मजेदार राइड्स का लुत्फ उठा सकते हैं। ये राइड आपको झूलने का अनुभव तो नहीं देगी, लेकिन इसके जरिए आप बेहतरीन नजारों का लुत्फ उठाते हुए हवा से बातें कर सकते हैं। यहाँ मौजूद जिप वर्ल्ड वेलोसिटी को दुनिया की सबसे लंबी और बेहतरीन जिप लाइन माना जाता है। 1.5 किलोमीटर लंबी ये जिप लाइन 500 मीटर की ऊंचाई पर है। इस जिप लाइन से गुजरते हुए आप आसपास के आकर्षक नजारों का मजा उठा सकते हैं। रोमांच से भरी इस राइड में आप जंगल, नदी और शहर के ऊपर से गुजरेंगे। इस राइड में जाने से पहले राइडर को कई सेफ्टी बेल्ट के जरिए बांधा जाता है ताकि कोई दुर्घटना न घटे। इसके बाद राइडर को 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवा में तैरने के लिए छोड़ दिया जाता है। बेल्ट और केबल के सहारे इस राइड का मजा लेते हुए आपकी आंखें तेज हवा का सामना करती हैं, जिससे आंखों को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए राइडर को बेहतरीन नजारों और सुरक्षा के लिए चश्मे भी पहनाए जाते हैं। रॉयल रश स्काई कोस्टर कोलोराडो। कोलोराडो एक पश्चिमी अमेरिकी राज्य है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और पहाड़ों के लिए मशहूर है। यहाँ का रॉयल रश स्काई कोस्टर बेहद खतरनाक लेकिन एडवेंचरस है। अरकनसस नदी से 1200 फीट ऊपर बना ये झूला आपके होश उड़ा देगा। इस राइड का लुत्फ उठाने के लिए आपको कई फीट ऊपर जाकर नीचे आना होगा। आसान भाषा में कहें तो ये 1200 फीट पर बना झूला है। इस राइड में 3 लोग एक साथ जा सकते हैं। स्काई कोस्टर का मजा उठाने के लिए राइडर को सबसे पहले एक केबल से लटका दिया जाता है, फिर ये केबल धीरे धीरे जमीन से दूर होते हुए ऊंचाई पर पहुंच जाती है। यहां से शुरू होता है एडवेंचर का एक अनोखा अनुभव, जब राइडर को केबल के सहारे हवा में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झूलने के लिए छोड़ दिया जाता है। जमीन से 1200 फीट की ऊंचाई पर झूलते हुए आप कोलोराडो के आकर्षक नजारों का लुत्फ उठा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अपनी आंखें खुली रखनी होगी। इंसैनिटी राइड लास वेगास। क्या आपको कभी हवा में झूलते हुए मौत का एहसास हुआ है? अगर नहीं तो नेवादा के लास वेगास में मौजूद इंसैनिटी राइड आपको यह एहसास दिलाने के लिए काफी है। यहाँ के स्थानीय लोग इस राइड को मौत का झूला कहते हैं। अगर आप अपने डर पर काबू पाना चाहते हैं या अपनी बहादुरी दिखाना चाहते हैं, तो इंसैनिटी राइड आपके लिए सबसे बेहतरीन रहेगी। खुली हवा में 270 मीटर की ऊंचाई पर लटकते हुए आप अद्भुत अनुभव महसूस करेंगे। इस झूले का लुत्फ उठाते हुए आप पूरा शहर देख सकते हैं, बशर्ते आपकी आंखें खुली होनी चाहिए। इंसैनिटी राइड पर बैठने के बाद आपको 70 डिग्री के एंगल में घुमा दिया जाता है और इसके बाद रोमांच का असली मजा शुरू होता है।
तेज गति में घूमते हुए इस झूले में लोगों की सांस थम जाती है। हवा में 64 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से घूमने वाले इस झूले पर बैठकर आपको महसूस होगा कि आपका पेट गायब हो गया है और आपके चेहरे की मुस्कान पूरे चेहरे पर फैल जाएगी। हो सकता है कि राइड खत्म होने के बाद आपको चक्कर और उल्टी का एहसास हो, लेकिन ये लक्षण कुछ समय के लिए ही रहते हैं। वॉनशैंग ऑडोविशियन थीम पार्क चाइना। चाइना के चोंगक्विंग में बना ये थीम पार्क कमजोर दिल वालों के घूमने की जगह बिल्कुल नहीं है। जमीन से 500 फीट की ऊंचाई पर मौजूद इस थीम पार्क में बेहतरीन एडवेंचरस राइड्स और ब्रिज हैं, जिन पर सैर करने के लिए लोहे का जिगर चाहिए। वॉनशैंग ऑडोविशियन थीम पार्क में बना गैप ब्रिज बेहद डरावना है, क्योंकि इस पर चलने के लिए राइडर को बीच बीच में गैप का सामना करना पड़ता है। जरा सा बैलेंस बिगड़ने पर आप केबल के सहारे लटकते हुए नजर आएंगे। ये ब्रिज खतरनाक इसलिए भी है क्योंकि इस पर चलने के दौरान कई राइडर्स के केबल खुल चुकी हैं। हालांकि उस स्थिति में कोई दुर्घटना नहीं हुई, लेकिन चीन की सरकार ने सुरक्षा की कमी को भांपते हुए इस पार्क को कुछ समय के लिए बंद कर दिया था। खतरनाक घटनाओं के बावजूद भी चीन के लोग इस थीम पार्क में एडवेंचर करने के लिए बड़ी संख्या में आते हैं। गैप ब्रिज के अलावा यहाँ मजेदार झूले भी मौजूद हैं, जिसका लुत्फ उठाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। तो ये थी दुनिया की 5 सबसे खतरनाक लेकिन एडवेंचरस जगह जहाँ घूमने जाना मौत का सामना करने के बराबर है। आपको कौन सी राइड सबसे खतरनाक लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें।